दोस्तों, भारत में आज भी जब आप छोटे शहरों या गांव में जाते हैं तो आपको एक बड़ी संख्या में नए लड़के सेना की भर्ती तैयारी करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन इस बड़ी संख्या में से कुछ ही सिलेक्ट होकर सेना का हिस्सा बन पाते हैं और बाकी या तो अगली बार की तैयारी में लग जाते हैं या फिर इस ख्वाहिश को छोड़कर कुछ और करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत नए अग्निपथ की खोज शुरू कर दी गई है, जिसमें नए लड़के जो सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं वह सिर्फ 4 साल के लिए ही आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कैसे होगा और वो कौन से लोग होंगे जिन्हें ये मौका दिया जाएगा। और सबसे जरूरी सवाल कि 4 साल बाद इन सभी अग्निवीरों का क्या होगा, क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर ये भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो आइए आपको पूरी बात डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अग्निपथ स्कीम को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जाता है। अग्निपथ भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पर चलकर वह भारत देश की तीनों सेनाओं की सिक्योरिटी को मजबूत करना चाह रही है। इस योजना के तहत सेना में भर्ती युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ही होगी। अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि इस स्कीम से शामिल हुए जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। युवाओं की सेना में भर्ती होने के बाद इंडियन आर्मी में कम उम्र के युवाओं को देखने का मौका मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा कि इस योजना में 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के युवा भर्ती हो पाएंगे और जब 4 साल बाद ये रिटायर होंगे तो इनकी उम्र 30 साल से कम देखने को मिलेगी। इससे फायदा यह होगा कि देश की सेनाओं में एक नया जोश सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार के ऊपर पेंशन को लेकर होने वाला बोझ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि सेना में भर्ती हुए जवानों को 4 साल के बाद मोटी रकम के साथ रिटायरमेंट भी दी जाएगी। साथ ही सरकार उनके आगे के फ्यूचर के लिए उन्हें डिप्लोमा और आर्मी सर्टिफिकेट भी देगी। अब यह सर्टिफिकेट किसी भी प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब के लिए बहुत ही काम आएंगे। अब बात करते हैं भर्ती के ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो आपके पास कम से कम हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए तो आप इस योजना की भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। इसके बाद 3 सेनाओं के पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों के लिए रैली करवाई जाएगी, जिसमें सेलेक्ट होने वाले युवा आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि इस तरह होगी जैसे कि आर्मी भर्तियों में होता है। फिर हर प्रक्रिया में सिलेक्ट हो जाने वाले कैंडिडेट का 4 साल का टर्नओवर शुरू हो जाएगा। अब 4 साल की नौकरी में जवानों को सिर्फ 3.5 साल की ही नौकरी करनी होगी, बाकी के 6 महीने उनकी ट्रेनिंग में लगेंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद बाकी के 3.5 साल जवान अपनी अलग ही रैंकिंग अग्निवीर के नाम के साथ साथ अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। यहाँ इस स्कीम की एक खास बात यह है कि सरकार जो अब तक अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल जो अभी तक फॉलो कर रहे थे उनमें भी बड़े बदलाव लाए हैं। बदलाव यह है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट से मिलेगा या नहीं, जिसे हम जातिवाद व्यवस्था कहते आ रहे हैं। बता दें कि इस योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस नौकरी में कितनी सैलरी होगी और रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 तक होगी, जिसे हर साल बढ़ाया जाएगा। सर्विस के 4th साल में इसे बढ़ाकर 40,000 तक कर दिया जाएगा। पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेगी। साथ ही इसमें सरकार खुद भी इतना ही पैसा ऐड करेगी, जिससे 4 साल बाद जब कोई सैनिक रिटायर होगा तो उसको 10 लाख से 12 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। और इस मिलने वाले रुपए में एक फायदा ये भी होगा कि ये पैसा टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह इन अग्निवीरों के लिए इंश्योरेंस और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यह भी है कि उन्हें बाकी सैनिकों की तरह पेंशन, कैंटीन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। तो सबसे पहले सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से एक बात तो साफ है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा, यानी वह सेना में आगे भी अपनी सर्विस दे पाएंगे। और जो 10वीं पास करके अग्निवीर बनेगा उसे रिटायर होने के साथ ही 12th के बराबर की डिग्री दी जाएगी, जिससे वह अगर आगे की पढ़ाई करना चाहे तो कर सकता है। और अगर ये जवान 4 साल बाद कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सरकार की तरफ से फंड भी दिया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अग्निवीर रिटायरमेंट के बाद
CRPF या पुलिस की भर्ती शामिल होना चाहें तो उन्हें ऐसी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर सबसे ज्यादा विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि पहले सरकार ने अधिकतम उम्र 21 साल तय की थी, लेकिन पिछले 2 साल में आर्मी की कोई भर्ती न निकलने की वजह से हजारों ऐसे जवान हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। ऐसे में जैसे ही विरोध बढ़ा, सरकार को जवानों की दिक्कत समझ आई तो अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ाकर 21 साल से 23 साल तक कर दिया गया। लेकिन अभी तैयारी किए हुए स्टूडेंट्स की पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। वहीं कुछ विरोध करने वाले लोगों का यह मानना है कि नौकरी के बाद वह पूरी तरह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि यह रिटायरमेंट होने के बाद लगभग सभी की उम्र 27 वर्ष से अधिक हो जाएगी, जिसके बाद अच्छी नौकरी मिल पाना तो बहुत ही मुश्किल है। और भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है यह तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके अलावा जवानों को इस स्कीम में यह भी डर सता रहा है कि प्राथमिकता में किसको चुना जाएगा। लेकिन इसके बाद एक मुश्किल यह भी होगी कि जो लोग CRPF और पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उन्हें नौकरी मिल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह अग्निवीर स्कीम युवाओं के लिए सही है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।